सवाल कर सकते हैं माइक नंबर एक से। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रीतपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट है सर, इधर नहीं आप सवाल आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया, किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे, ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजनेटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से ये फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, कि मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेगा, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेगा, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है, पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर के ना? स्वर्ग में जाएंगे तो, स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पर क्यों आएंगे फिर? कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापिस आते, अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापिस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापिस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले में वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में, यक्षा है क्या? अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से, जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।